give away slogans also. And you will also come back. मोदी सरकार मोदी सरकार किसान मोदी विरोधी सरकार किसान मोदी सारिया सरकार कांग्रेस सरकार मोदी सरकार किसान दे विरोधी सरकार किसान मोदी सरकार किसान एकता किसान एकता किसान एकता मोदी मोदी कापाट्रे कापाट्रे जय जवान जय जवान जय जवान जय
सर आज आपके यहाँ धरना प्रदर्शन करने का क्या तात्पर्य है, किस उद्देश्य से आपने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है? यदि आप देख लीजिए, जेकर जो हिंदुस्तान की धरती है इसे आज़ाद करवाने के लिए पूरे भारत में से जो 90% लोग है वो पंजाबी थे, आज भी जेकर पंजाब में से गल कर देते हैं, यदि पंजाब के लोग 80% से ज़्यादा लोगों ने फांसी की सज़ा तमिलनाडु में और काले पानी की सज़ा पंजाब के लोगों ने ली है, लेकिन जब भी कभी हिंदुस्तान को चाहे खाने की जरूरत पड़ी है चाहे दाने की जरूरत पड़ी है, हरी क्रांति पंजाब ने लेकर आई है, लेकिन आज पंजाब में यदि देख लीजिए किसान जो है आत्महत्या कर रहा है। जब तक आप मंडी गोविंदगढ़ वहाँ पर है जहाँ पर एक व्यापारी लोग हैं वो भी आत्महत्या के लिए मजबूर हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में जहाँ और स्टेटों के लिए एक्स्ट्रा जो है वो 10 साल के लिए एक्सटेंड किए गए हैं और पंजाब से बहुत ही बड़ा धोखा किया जा रहा है पंजाब की इंडस्ट्री के लिए। पंजाब के बॉर्डर पर हिमाचल और पंजाब बिल्कुल साथ में है, यदि आप इससे देखें फैक्ट्रियाँ हैं और पंजाब में आप पठानकोट से लेकर लालूर तक दे लेते जो नीम पहाड़ी एरिया है वहाँ पर बिल्कुल कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, बेरोजगारी के मातम में जो नौजवान वहाँ का वो ड्रग में एडिक्ट हो रहा है या आत्महत्या कर रहा है। हम हिंदुस्तान की सरकार से पीएम मोदी से उनसे निवेदन करते हैं कि वो पंजाब के लिए एक्स्ट्रा जो हमारे यहाँ बेनिफिट्स हैं हमारी जो वहाँ इंडस्ट्री को दें, लेकिन पंजाब के जो पहले मुख्यमंत्री थे उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल जो गप्पी के नाम से भी मशहूर हैं वो बोल रहे थे कि पंजाब को मोदी सरकार ट्रक भर के नोट भेजेगी, लेकिन उन्होंने ट्रकों की जगह आज हमें लेने के लिए जो पंजाब से 20 विधायक पंजाब की आवाज़ उठाने के लिए जहाँ थे उनके लिए ट्रक नहीं जेल के भेजने के लिए बस भेजी है, उनके लिए बहुत शर्म की बात है। पंजाब में जो मुख्यमंत्री पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं वो हिमाचल की पहाड़ियों में घूमना जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि हिमाचल में फैक्ट्रियां भी लगी हैं पंजाब में भी लगनी चाहिए, वो बिल्कुल शांत बैठे हैं, लेकिन हमें पंजाब के लोगों का दर्द है। आम आदमी पार्टी पंजाब के लोगों को साथ है, व्यापारियों के साथ है, किसानों के साथ है, नौजवानों के साथ है, हम अपने उनके हकों के लिए लड़ते रहेंगे।